भैया आज आपको जो टॉपिक स्टार्ट होना है कौन सा? प्रायिकता। अच्छा, कोई बताएगा इसके बारे में? स्कूल स्कूल में करवाई ना करवाई? हाँ तो बताओ, बतावे किसी को प्रायिकता? हाँ बेटे, हाँ मुझे तो पता है। यहाँ पर देखो क्या करना, प्रायिकता क्या होती है? ये होती है आपकी संभावना, संभावना किसी चीज की संभावना, क्या कहते हैं भैया? प्रायिकता। जैसे मैंने आपको बताया एक हमारे पास क्या है भैया, सिक्का है, सिक्का, ठीक है ना। अगर तुमने अच्छा सिक्के को देखा हो, ये बेटे इसे क्या बोलते हैं तुम? हेड और इसे टेल। अच्छा, जब हम इसे ऐसे उछालते हैं तो इसमें दो ही कंडीशन आएंगी, या तो ऊपर आपका हेड आएगा या भैया आपका टेल आएगा, दो ही कंडीशन है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सिक्के की बात करें तो भैया या तो आपका हेड आएगा और या आपका टेल, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते भैया पास में भी, अगर हम देखते हैं ये, ये भी आपने अच्छे देखा होगा, देखा भैया इसमें कहाँ तक नंबर होते हैं? एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है भैया, ये होते हैं। इसी प्रकार से आपका ताश की गड्ढी के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायिकता वाले जो सवाल कितने प्रकार के आएंगे, ठीक है ना। सवालों के प्रकार कितने प्रकार के यहाँ पे सवाल आते हैं? पहला जो आता है आपका, एक आता है सिक्कों का, ठीक है ना। दूसरा जो आगा तुम्हारा वो किस चीज का आगा भैया? वो आता है तुम्हारा पास, पासे का, ठीक है ना। और तीसरा जो आता है आपका किस प्रकार से भैया? गेंदों से आएगा, गेंदों से। और भैया इस प्रकार से देखो, पासे से, सिक्कों से, और ये आपका है गेंदों से, और एक आता है ताश की गड्ढे से, ठीक है ना। ताशों से नहीं, ताशों से। और होता क्या है मेन चीज, इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए एक मिनट रुको, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है भैया। ये हुआ एक, इसमें एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो हम लिखते हैं भैया, माना माना प्रयोग से संबंधित संबंधित कोई घटना है हमारी, कोई घटना ई है, ठीक है। अब लिखते क्या है, घटना ई के, घटना ई की प्रायिकता, अगर हम घटना ई की प्रायिकता निकालते हैं तो इसे लिखते हैं हम पी ई बराबर, ठीक है ना। पी ई बराबर क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल, ई के अनुकूल जो भी आपकी क्या होंगी, ई के अनुकूल परिणामों की संभावित परिणामों की संख्या लिख लो, परिणामों की संख्या, और कुल कुल परिणामों की संख्या, ठीक है भैया। कैसे? अब यहां पर देखिए, यहां पर होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होगा आपका? एक होगा आपका घटना घटने की प्रायिकता, जो कि ये है, प्लस घटना न घटने की प्रायिकता, जो आपका ई के ऊपर बार लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों का योगफल क्या होता है यहाँ आपका? एक होता है, यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है भैया? एक। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इससे भी आपका सवाल आता है। अच्छा, अगर यहाँ से हम निकालें कि घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिखते हैं पी ई बराबर एक माइनस घटना न घटने की प्रायिकता,
यानी घटना घटने प्रायिकता क्या होगी, एक माइनस घटना न घटने प्रायिकता। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं घटना न घटने प्रायिकता क्या होगी भैया, ये होगी आपकी एक माइनस घटना घटने प्रायिकता। इससे ही हम तीन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे तीन फॉर्मूले हो गए। आई बात समझ भैया? ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब देखो जैसे अब होता क्या है, एक होता है जिसमें हम लिखेंगे कि घटना हमारी घट सकती है या संभव, और एक होता असंभव। जैसे आपका यहाँ पर एक प्रकार से मैं पासा मान लेता हूँ, ठीक है, ये आपका पासा है और इससे अगर मैं पासे में कहूँ कि भैया मुझे पांच चाहिए तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता? मिल सकता। तो ये भैया क्या है, संभव घटना। कैसी घटना? संभव घटना। आई बात समझ में? और अगर मैं कहूँ भैया इस पासे में मुझे नौ चाहिए तो बताओ मिल सकता है, नहीं मिल सकता? अभी बोलो मिल सकता है, नहीं मिल सकता? क्यों? अभी नहीं मिल सकता? मिल सकता। अच्छा बेटे, इसमें कहाँ तक नंबर है, एक दो उधर पीछे फिर साइड में तीन चार पाँच छः और उधर आपका दो आगे। अच्छा तो कहाँ तक मैक्सिमम कितने भैया आपके? छः। इससे कम मिल सकता है या फिर इसके बराबर मिल सकता है? इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, इसलिए कैसी घटना आपकी असंभव है। और कोई भैया इसे संभव बना दे तो भैया फिर वो भगवान है, तो बोलो हाँ भगवान। ठीक है, ठीक है बेटा, दो पासों से आसानी समझ जाएगा लेकिन एक पासों से आपको नो नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है ना? इतना मैक्सिमम कितना आ गया? अब यहाँ पर देखिए शांत भैया, शांत, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार अगर मैं सिक्के की बात करूं तो दो ही पोजीशन आपकी होंगी, या तो हेड आएगा या फिर आपका आएगा क्या, टेल। ठीक है भैया, नोट कर लो। यहाँ पर देखिए भैया, ये कह रहा है कथनों को पूरा कीजिए। पहला क्या है, घटना ए शांत, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर होती है विनित। अभी लिखवाया था, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? वंदना जल्दी नहीं पता, इसका मतलब आपका ध्यान कहाँ था? नया एक पता नहीं बेटा, तुम कहाँ बैठे हो? ध्यान रखो बेटा कहाँ बैठे हो, क्या है एक। इस घटना की, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती। अरे बताया था ना, क्या एक पासे में नो आ सकता? नहीं आ सकता। तो भैया घटना घटने प्रायिकता क्या होगी? जीरो। और ऐसी घटना को कहते हैं भैया कौन सी घटना? असंभव, असंभव। बेटे बात को अगर ध्यान सुनोगे ना सब याद होगा, अगर इधर उधर बातों में लग रहा हो कुछ पता नहीं चल रहा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, क्या होगा भैया? नहीं, संभावना तो है, जीरो आ गया, एक आ गया, ये बताओ एक आ गया जो चीज घट रही है। और जो निश्चित घटना है तो उसे क्या कहेंगे भैया? निश्चित संभावना बोल लो या फिर निश्चित संभावना। आंसर है, आंसर में संभावना लिख रहा, संभव लिख रहा, तो संभव लिख लो भैया, संभव। जो निश्चित है उसे निश्चित घटना भी कहते हैं या फिर संभव है जो चीज है। अच्छा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खाली स्थान है, बताओ। बहुत सुंदर ऐसे आंसर देखेंगे एक। अच्छा, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो मैं आपको बता दूं, गोल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आंसर आने रहा है, ध्यान बताने कहा है, यहां पे देख लो भैया, मैं आपको बता देता हूं। जो घटना घटेगी या फिर ऐसा मान लो घटना की जो वैल्यू है ना वो जीरो जीरो और एक के बीच में, ये हम इस याद रखना, ठीक है,
ठीक है ना, ना घटना घटने की प्रायिकता जो कह रहे ना, संभावना क्या होगी तो जीरो, और उन दोनों का योग क्या है एक, तो जो भी आगा इन दोनों के बीच में आगा, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो कि किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, इसका मतलब इससे बड़ी या इससे बड़ी, जीरो से बड़ी, क्यों, एक से तो ये कम होनी चाहिए या फिर एक के बराबर होनी चाहिए, से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी, किससे छोटी, एक से छोटी, बताए ना, जीरो से बड़ी और एक से छोटी, इन दोनों के बीच में आई हुई वैल्यू आएगी। सारी बात समझ में आई? तो अभी मैं पूछा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया मान लिया हमने, ठीक है ये बता दो भैया, प्रायिकता हो सकती है, घटना घटने कुछ भी मान सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है प्रायिकता में, नहीं ये बताओ। तुम कहोगे भैया इसे काट के तो देखो क्या है, 1.5, हमने क्या कहा था एक या जीरो के बीच में होगी, ये तो एक को पार कर गई भैया, यहाँ पर आ गई 1.5, तो इसका मतलब ये प्रायिकता में ऐसा नहीं होगा भैया, ठीक है। अगर मैं बात करने लगा आपको 2/4 है भैया, याद रखो हमेशा प्रायिकता में नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर वाले से, ठीक है। दो ही करना, दो दुनी चार, भैया 1/2, 1/2 क्या बोलते हैं, आधा, आधा एक से बड़ा है या यहाँ पे आएगा बीच में आ गया, तो बीच में आ गया इसका मतलब ये प्रायिकता का क्वेश्चन हो सकता है। आरी बात समझ में, नोट कर लेते यहाँ पर देखो भैया, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया पहला क्वेश्चन क्या है, एक ड्राइवर कार चल, हाँ चल, पहले ये देखो निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम जो है आपके संप्रायिक हैं या नहीं स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक का मतलब मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ पर देख लो चांस मतलब किसके 50%, जब भी 50% चांस होंगे ना वहां पर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना जिसके चांस जैसे होंगे, अब देखो कहाँ पर देखो भैया, अब संप्राय का बता रहा था मैं, संप्राय देखो जिसके चांस हमें क्या हो 50-50। अब देखो मुझे ये नहीं पता भैया इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जैसे ये आया कि सरदार भगत सिंह की मृत्यु हुई थी खालिस्तान या मान लो कुछ भी, इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, और मुझे पता नहीं भैया कौन सा होगा, तो ये बताओ मेरे चांस सही वाले आते हैं या गलत वाले आते हैं, मेरे चांस जो होंगे वो सही आंसर पर लगाने तक के होंगे या फिर गलत लगाने होंगे, सही सही पक्का पक्का, तो बेटा आप गलत हो भैया, गलत वाले भाई, गलत तीन होंगे ना, ये बात है भैया, गलत की संख्या ज्यादा है, सही कितने हो सकते हैं ये बताओ, एक हो सकता है ना, अब वो एक लगे ठीक वरना तीन क्या है, कोई बात समझ में नहीं, तो चांद गलत वाले ज्यादा है या सही वाले ज्यादा है, इसीलिए भैया गलत वाले के चांद ज्यादा है, इसका मतलब संप्रायिक ये नहीं है, सारी बात समझ। और अगर मैं कह दूं भैया राम थे पहला ऑप्शन चोर, दूसरा ऑप्शन राजा, अब देखो बेटे बात को समझो, राम चोर थे या राजा, ऑप्शन कितने हमारे पास, बेटे कोई सा एक तो सही होगा, चांस है या नहीं है, तुम कहो अगर हमारा यहाँ पर कितना चलेगा बेटा 50-50, क्या चलना 50-50, अगर धोखे से ये लग गया तो 50 रह गए, ये तो आंसर गलत है, अगर धोखे से आपने ये लगा दिया तो 50% चांस है कि तुम्हारा आंसर क्या हो सही हो, तो यहाँ पर संप्रायिक है, बात समझ में आई होगी आगे बेटा, यहाँ पर चलना हमारा कितना 25-25, अगर तुम्हारा 25% ये सही है तो 75% क्या है भैया आपका गलत है, तो 75% का अंतर आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है आपका 1931, सही है, लेकिन वो पता होगा तभी सही होगा, यहाँ पर क्या है अगर सही वाला 50% है तो गलत वाला भी क्या है, इसे उन्होंने संप्रायिक, बात समझ में नहीं, अब आइए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक मिनट रुको बोर्ड साफ कर देता, अब यहाँ पर देखिए भैया बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे सभी, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, अब बताओ क्या हो सकता, अब एक आदमी कार चलाने गया
चाबी स्टार्ट लगा के स्टार्ट करी। अच्छा जरूरी है कि पहली बार में कार स्टार्ट हो जाए, दूसरी बार में हो जाए, तीसरी बार में? तुमने कभी देखा होगा जब बाइक खराब होगी तो ऐसे किक मार रहे, 20 किक मार दी स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, धक्का मारना भी पड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर संप्रायिक है नहीं है? नहीं, क्योंकि कोई चांस नहीं है। हो जाए, होने को तो एक बार में हो जाए, और ना हो तो भैया 20 बार में ना हो, तो इसका मतलब है या नहीं है? नहीं है। वो कह रहा प्रयत्न कर रहा, मतलब मामला प्रयास में है, हो भी सकती है फिर नहीं। आप पास हो या नहीं, हो सकता नहीं, कोई एक बार में नहीं हो रहा, दो बार में नहीं हो रहा, कोई हो ही नहीं रहा, पप्पू फेल हो गया, ऐसे भी रहता मामला, तो इसका मतलब है या नहीं है। तो बात समझ में आ गई। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा ना, ऐसा बॉल डाल रहा बेटा ऊपर को, ऐसे डल गई ठीक, नहीं डली, जो भी है या नहीं। अब देख लो, अब बात की बात, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया है, उत्तर सही है या गलत। अब भैया एक ऑप्शन आ गया, वही वाला राम चोर था, ये तो ये हो गया राम राजा है, बेटा दो ही ऑप्शन है, चोर पर लग गया तो आंसर गलत और सही पे लग गया तो आंसर सही, इतना चल रहा है 50-50 चल रहा ना, जितना इसमें है इतना इसमें, धोखेदार राजा राजा वाला लग गया आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इसमें क्या है चांस है। आ रही बात समझ में? दूसरा, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का या एक लड़की, लड़का नहीं हुआ तो क्या होगी, और लड़की नहीं हुआ तो, ठीक है ना, दो ही ऑप्शन है, तो भैया इसका मतलब ये भी चांस है, लड़का नहीं हुआ तो किसके चांस हैं, और लड़की नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब संप्रायिक जो भी तुम्हारा है, ठीक है ना, कर सकते। तो भैया ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी आपको, ठीक लगी, समझ में आया बेटे, अच्छे से नोट कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।